रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने एक अभिनव पहल की है। डीएम जिले के सभी अधिकारियों के साथ बस में बैठकर एक दूरस्थ गांव में लगे शिविर में हिस्सा लेने पहुंचे। वहीं रुद्रप्रयाग में किसी जिलाधिकारी की ओर से पहली बार ऐसी पहल की गई है। इससे पहले सभी अधिकारी अपने अपने वाहनों से पहुंचते थे, जिससे सरकारी डीजल पेट्रोल की खपत अधिक होती थी। लेकिन अब जिले में ऐसा नहीं होगा। जहाँ भी जनता की समस्याओं को सुनने के लिए शिविर लगेंगे, वहाँ सभी अधिकारी बस के जरिए ही सफर करेंगे। आपको बता दें कि जनता के समस्याओं को सुनने के लिए अक्सर प्रशासन की ओर से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। इन जनता दरबारों में अक्सर देखा जाता है कि कई अधिकारी पहुंचते ही नहीं, और जो अधिकारी पहुंचते भी हैं वह समय पर नहीं पहुंच पाते। इस बीच सभी अधिकारी अपने वाहनों से पहुंचते हैं, जिससे वाहनों का जमावड़ा लग जाता है। इससे सरकारी डीजल पेट्रोल की भी अधिक खपत होती है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। जीएमओ की बस में वो लोग सब साथ थे, और जो फिजूल खर्चे पर रोक लगाने का जो मुहिम जिलाधिकारी जी के द्वारा पूरे जनपद के भीतर निकाली गई, तो हम इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और हम चाहते हैं कि ये मुहिम आगे भी ऐसी चलती रहे। सुदूर क्षेत्रों में हम कैंप लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जनरली 30 से 35 अधिकारी पहुँचते हैं। उसमें अपने अपने व्हीकल से पहुँचते हैं, और उससे समय और तेल और खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना सभी अधिकारियों को एक साथ एक बस में लेके शिविर लगाया जाए और शिविर में पहुंचा जाए। इससे एक तो कॉस्ट कटिंग तो होगी होगी, साथ में जो डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन होगा, जो आपस में कोहेजन होगा, वो भी बेटर होगा।